खेसारी जी को मैंने टच किया, मैंने कहा गरीब कन्याओं की शादी है, एक रुपया तो कम किए नहीं, मैं इतना लूँगा। मैंने कहा काजोल को मत ले जाइए, काजोल कोई गायिका तो है नहीं, नहीं हो जाएगी, उसका 1,00,000 रुपया लगेगा, वो भी बताइए। अब जब बातों का छीलन करेंगे तब तो हमारे पास भी बहुत सारी बातें हैं। मैंने तो काजोल को नहीं कहा था ले चलने के लिए। खेसारी लाल के 3 चावल वाले बयान के बाद विनय बिहारी इंटरव्यू में सामने आए और उन्होंने नाम लिया काजल राघवानी का कि काजल राघवानी को खेसारी लाल जबरदस्ती शो के लिए ले जाते हैं। इन आरोपों के जवाब देने के लिए मेरे साथ खुद काजल राघवानी हैं जो सारी बातों को बताएंगी। काजल जी, सबसे पहले तो स्वागत है बिंदास भोजपुरिया में और शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मेरी तरफ से भी बिंदास भोजपुरिया के सारे दर्शकों को प्रणाम। और बस समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, 2-3 दिनों से मैं देख रही हूँ। एक्चुअली ये न्यूज़ तो मैंने पूरा देखा भी नहीं था, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि छोड़ो यार क्या, मतलब डेली का आता जाता रहता है। सो कल मैंने जो देखा कि मेरा नाम बीच में आ गया है एंड जो चीज़ें गलत है और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो मुझे लगा कि नहीं एक्चुअली बोलना ज़रूरी है इस बात को, अदरवाइज मेरे जितने भी फैंस है सबको लगेगा कि ये बात सच है, तो ये बताना ज़रूरी है। तो आप मुझे पूछिए, मैं आंसर कर दूंगी अब जो भी है सच। हाँ सच, यही लोग यही जानना चाहते हैं कि असल में सच क्या है। काजल जी, क्या विनय बिहारी नहीं चाहते थे कि उनके शो में, उनके यहाँ शो में काजल राघवानी खेसारी लाल के साथ जाएं और खेसारी लाल ने उन्हें फोर्स किया ले जाने के लिए, क्या सच्चाई है इसकी? जहाँ तक मुझे लगता है, ये तो पूरी पब्लिक जानती है, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री जानती है, खेसारी जी ने अपने बल पे यहाँ तक वो पहुंचे, मुकाम पाया है और आज वो स्टार है, तो अपने बल पे है। और जहाँ मैं हूँ, मैंने भी 8 साल से मैं भी मेहनत करी हूँ, 8 साल से भोजपुरी में टिकी हुई हूँ और 4 साल से टॉप में मेरी जनता ही मुझे लाई है, मेहनत का फल मिला है मुझे। सो ऐसा तो है नहीं कि हम अननोन पर्सन हैं, या खेसारी जी अननोन है या मैं अननोन हूँ। तो अगर विनय बिहारी जी ये बोल रहे हैं कि खेसारी जी मुझे ज़बरदस्ती हर जगह लेके जाते हैं, या उनके शो में ही, शो की ही बात की जाए कि ज़बरदस्ती वो मुझसे शो करवाए एंड मुझे वहाँ पर लेके गए, तो ये सरासर बात गलत है। और जो शो की बात है, तो विनय जी ने खुद मुझे फोन किया था, जो कि उनके साथ मैं एक मूवी भी कर चुकी हूँ, जय ससुरारी जय महरारी ऐसे करके कोई मूवी थी, जो कि रिलीज हुई है कि नहीं पता नहीं मुझे अभी तक, क्योंकि उसको 5-6 साल हो चुके हैं। एंड उस मूवी के बाद हमारा ये फर्स्ट शो था जिसमें उन्होंने मुझे फोन किया था कि बाबू मैं 10 कन्याओं का विवाह करवा रहा हूँ और हमेशा करवाता हूँ, तो मैं चाहता था कि आप और खेसारी जी इस इवेंट में आए, शो में आए, और मैं कन्याओं के लिए कर रहा हूँ, तो चंदा होगा जो भी होगा उसका जो भी होगा। तो मैंने बोला ठीक है सर, आपका मैं सम्मान करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, तो ज़रूरत नहीं है ये सब बोलने की। तो उसी रीज़न की वजह से हम लोग वहाँ पे गए थे, और जो वो पेमेंट मेरा बता भी रहे हैं कि काजल राघवानी को 1 लाख तो देना पड़ेगा, वो सिंगिंग करेगी क्या नहीं करेगी, ऐसा तो है नहीं कि हम पहला शो करने जा रहे हैं। और मैंने आपको पेमेंट ज़्यादा ही बताया था, लेकिन आपने जब मुझसे कहा कि हम बेटी का विवाह का चंदा वो करके इकट्ठा करके हम ये प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो मैंने आपको पैसे की बात ही नहीं की थी उसके बाद। तो उसके बाद जो भी है, खेसारी जी के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि खेसारी ज़बरदस्ती हमें लेके आया, वहाँ पे लेके गया, फिर वहाँ से मुझे दुबई जाना था। मैं ये बात मैं भी जानती हूँ, अगर हमें दुबई जाना ही होता आपके शो में मैं ज़बरदस्ती क्यों आती, मैं बॉम्बे से अपना दुबई चली जाती। हम इतना पटना से तो कोई फ्लाइट है नहीं दुबई का, जो हम वहाँ से सीधा फ्लाइट पकड़ के दुबई चले जाने वाले थे, तो इतना घूम घूम के मैं क्यों जाती। और इतना रिस्पेक्ट तो मेरा भी है और इतना गरिमा तो मेरी भी है कि कोई मुझसे ये तो नहीं कहेगा कि मैं रास्ते में बैठी थी और खेसारी जी ने बोला चलो मैं तुम पे दया कर देता हूँ और चलो मेरे साथ मैं तुमको शो दिलवाता हूँ, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। तो बस यही है, और वो सरासर झूठ बोल रहे, पता नहीं किस रीजन पे इतना बोल रहे हैं। और जो कि वो बात कर रहे हैं, ये शो हुआ था 2-2.5 साल पहले की बात है, और बोल रहे हैं कि खेसारी जी के बुलाने पे, काजल जी के बुलाने पे यहाँ पे पब्लिक इतना, तो क्या ये यहाँ के लोग ये नहीं जानते हैं कि अगर हम खेसारी का शो करवा रहे हैं और हम दोनों की पॉपुलरिटी ज़्यादा है, आई थिंक 3-4 साल से जब से मेहंदी लगा के रखना आया है तब से हमारे
जो हमारी कपल है, हम जो उनको हमेशा जोड़ी बेस्ट जोड़ी कहा जा रहा है, अवार्ड मिल रहा है, सारी चीजें हैं, तो लोग हमें पसंद कर रहे हैं, तब जाके हमें हो रहा है एंड तब जाके मिल रहा है, अवार्ड्स मिल रहे हैं या पब्लिक का अटेंशन मिल रहा है, और जहाँ हम शो करने जा रहे हैं तो पब्लिक हमें लाइक कर रही है, इस वजह से वहां पे भीड़ हो रही है, तो लोग भी तो यही चाहेंगे ना कि जहाँ भीड़ होती होगी हम वहां पे शो भी तो हम वहीं पे करेंगे। तो उनका कहना है जब हम शो खत्म करके, शो खत्म एक्चुअली हुआ था स्टार्ट, बट वहाँ पे उनका अरेंजमेंट ठीक नहीं था, और जो कि उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ का MLA हूँ एंड यहाँ पे सब लोग, मैं एक आवाज़ में बोलूँगा तो सब लोग बैठ जाएंगे, सब लोग मतलब जो भी होता है, तो फिर मेरी सब सुनते हैं यहाँ पे, मेरी सब सुनते हैं यहाँ पे जी, दूसरा ड्रीम आ रहा है, कोई बात नहीं, उसी की कंपनी का है। मेरी सब सुनते हैं यहाँ पे, मेरी सब यहाँ पे सुनते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरा इलाका है और सब यहाँ पे मुझे पूछते हैं, वो सारी बातें हैं, हम भी आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा करेंगे, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। तो आपने ये सब कहा था, आपकी अरेंजमेंट ठीक नहीं थी वहां पे, मैं स्टेज पे गई, वहां पे लाइट्स ऑफ हो गई बिकॉज पब्लिक यहाँ वहां होने लगी, और पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, कहाँ का कनेक्शन टूट गया और पब्लिक बौखला गई, और फिर वहां की अरेंजमेंट ठीक नहीं थी इसलिए पब्लिक बौखलाई, क्योंकि बार बार लाइट्स ऑफ हो रही थी, ऑन हो रही थी, ऑफ हो रही थी, ऑन हो रही थी, तो इस वजह से फिर विनय जी ने खुद कहा कि ये नहीं मैं संभाल पाऊंगा, तो आप लोग मतलब जाइए यहाँ से। और खेसारी जी ने तो कभी ये नहीं कहा कि हमें सुबह तक उन्होंने ये करवाया, और मैं खुद भी गई थी तो मुझे विनय जी ने बुलाया था इसलिए मैं गई थी, अदरवाइज और उनके कहने ये भी है कि मैं हमेशा जबरदस्ती जाती हूँ। मेरा एक्चुअली इंटरव्यू देने का मतलब यही था कि किसी के अंदर ये नहीं आना चाहिए कि खेसारी जी मुझे हमेशा लेके जाते हैं, जबरदस्ती लेके जाते हैं, हमें अगर शोज मिलते हैं, हम लोग शोज साथ में करते हैं, तो सामने वाला जब ऑफर करता है तब हम करते हैं, या फिर खेसारी जी तो आप भी देखे हैं कि मेरे बगैर कितने सारे शोज उनके होते हैं और मूवीज भी कितनी सारी बनती है, ऐसा नहीं है कि हम लोग साथ में ही हमेशा जुड़े रहते हैं, लोग पसंद करते हैं, पब्लिक पसंद करते हैं, किसी का बजट नहीं होता है, किसी का कुछ नहीं मिलता है तो हम साथ में नहीं रहते हैं, बस यही इशू है, यही प्रॉब्लम है। तो इस मुझे बस एक ही चीज समझ में नहीं है कि उन्होंने मुझे इन्वॉल्व क्यों किया, ये जताना क्या चाहते हैं, किसको दिखाना चाहते हैं, जिसका भी आपका आपसी मैटर है तो आप एक लड़की को क्यों यूज कर रहे हैं, मेरा भी कुछ मान सम्मान है, आपको अगर आप 10 कन्याओं के बारे में सोच रहे, शादी करवा रहे, सारी चीज कर रहे, तो मैं भी एक कन्या ही हूं, अगर हीरोइन हूँ इसका ये मतलब नहीं कि कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है किसी का, मैं भी मेहनत करके आई हूँ, अपना घर परिवार चला रही हूँ, सारी चीज कर रही हूँ, तो ये कौन सा रीजन हुआ आप मुझे उसमें बीच में ऐड कर रहे हो, क्या बोलो आप? मैं दुख समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि बेसिकली जब इस तरह की बातें कही गई तो बुरा लगना स्वाभाविक है। काजल आपको क्या लगता है कि जब ये सारी बातें हुई हैं, जब से ये बात आई है, आपके फैंस के बीच में भी ये बात गई होगी, उन्होंने भी सुना होगा, क्या उन्हें बुरा नहीं लगा होगा? काजल राघवानी को जो चाहने वाले हैं, जो काजल राघवानी को देखते हैं, उन्हें तकलीफ नहीं होगी इन बातों से? क्योंकि काजल राघवानी को खुद तकलीफ जरूर हुई, मैं देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स मुझे बहुत बुरा लगा है एंड इवन मेरे फैंस को भी हो रहा होगा, उनको भी फील हो रहा होगा, और बस ये अगर मैं आज इंटरव्यू दे रही हूँ तो इसी वजह से दे रही हूँ बिकॉज मुझे मेरे फैंस तक ये बात जाननी और पहुँचनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो भी चीज़ें हो रही है झूठ है, और ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, अगर इनको इतना ही था तो ये 2.5 साल पहले क्यों नहीं आए, जब हमने शो किया था 2 साल हुआ या 2.5 साल हुआ, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने तब क्यों नहीं की कि खेसारी लाल काजल राघवानी को ज़बरदस्ती यहाँ पे लेके आया, क्यों लेके आया, तो आप तब बोल देते सबको। और खेसारी लाल अगर जबरदस्ती कर भी रहा था तो फिर आपको शो में नहीं बुलाना चाहिए था कि नहीं हमें काजल नहीं चाहिए तो हम नहीं बुलाएंगे, तो आप दिनेश जी हो या पवन जी हो, रितेश हो, कल्लू हो या XYZ जो भी हो, आप उन लोग को बुला लेते। आप MLA हैं, आपको इतना मान सम्मान, सारे सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर आपको ये करना चाहिए था कि ठीक है भाई तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो फिर मैं किसी और को बुला लूंगा। तो खेसारी जी तो मुझे नहीं लगता कि उस चीज में वो कुछ गलत बोले होंगे या कुछ किया होगा, मुझे नहीं लगता, आइडिया नहीं है किसी चीज का भी, बट ये चीजें तो हुई नहीं है। आपने मुझे खुद पर्सनली फोन किया था क्योंकि मैंने आपके साथ वर्क किया था, तो आपने कहा था कि आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है और मैं आप दोनों को लेके जाना चाहता हूँ और यहाँ की पब्लिक मांग कर रही है,
तो इस वजह से हम लोग वहाँ पे आए थे। तो प्लीज आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि गलत अफवाह ना फैलाएं, और हमारा भी करियर जुड़ा है इस चीज में, और बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज। काजल, क्या कभी ऐसा हुआ है कि इतने सालों के करियर में कभी काजल राघवानी को खेसारी लाल या किसी स्टार के रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ी है जो इतनी फिल्में की, इतने अवार्ड्स जीते काजल राघवानी ने? अगर काजल राघवानी को किसी रिकमेंडेशन की कभी जरूरत पड़ी हो तो प्लीज हमारे दर्शकों को ये देख के बताएं कि सच क्या है। क्या काजल राघवानी रिकमेंडेशन के भरोसे इन सीढ़ियों की सफलता की चढ़ी है? ये अगर सब लगता है इन लोगों को कि मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो किसी के रिकमेंड करने पे यहाँ तक आई हूँ, तो ये सरासर गलत है। मैंने 2002 में भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा था। कुछ लोग हैं जिनको, बिकॉज मुझे, मैं जानती नहीं थी यहाँ पे, और जो मेरे फ्रेंड्स थे, ऑब्वियसली कोई भी स्टार्ट करता है तो उसका कोई मसीहा तो होता ही है, सिर्फ उसको रास्ता दिखाता है। लेकिन अगर मैंने कोई मूवीज करी है, कोई शोज किए हैं या डांस परफॉर्मेंस किया है, तो वो मसीहा मुझे नहीं दिखाया कि तुम्हें कैसे डांस करना है, कैसे एक्टिंग करना है, तुम कैसे वर्क करोगी, ये सब कोई सिखाता नहीं है। आज यहाँ तक 8 साल में अगर मैं वहाँ पे पहुंची हूँ यहाँ तक, तो मैंने खुद से मेहनत करी है, मैंने खुद अपने आप को इम्प्रोवाइज किया है, मैंने अपने डांस में इम्प्रोवाइज किया है, एक्टिंग में किया है, तब जाके आज फैन के दिलों में मैं बैठी हूँ और आज वो मुझे नंबर वन पर रखते हैं, लाइक करते हैं। सो मेरे फ्रेंड्स जानते हैं ये, क्योंकि आपने ना मुझे सिखाया, मतलब एक ऑप्शन, एक रीजन दे रही हूँ कि नहीं, आपने मुझे, अगर आप मुझे बताओगे काजल तुम्हें ऐसे ही एक्टिंग करनी है तो मैं वैसे ही नहीं कर पाऊंगी, मैं जो करती हूँ मैं खुद से करती हूँ, और ना ही मैं जाके शूट पे पिलर की तरह खड़ी हो जाती हूँ कि मैं बस मैं यहीं पे खड़ी रहूंगी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी और लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। अगर हम काम कर रहे हैं तो काम ही तो पसंद कर रहे हैं ना लोग, कहने का मतलब यही है कि जो हम काम कर रहे हैं वो लोग पसंद कर रहे हैं। और सवाल ये भी है कि काजल राघवानी ने तीनों सुपरस्टार्स के साथ, कल्लू के साथ, बाकी लोगों के साथ भी फिल्में की हैं, तो क्या सबकी रिकमेंडेशंस होती हैं? क्या सबकी रिकमेंडेशंस होती हैं? क्या सारे स्टार सिर्फ काजल राघवानी को रिकमेंड करते हैं? ये सवाल है। और आप लोगों ने फर्क देखा कि विनय जी जब कहते हैं कि खेसारी लाल काजल राघवानी को जबरन लेके आए स्टेज शो में, पैसे इनके लिए मांगे, और काजल राघवानी जब सच कहती हैं, ये इनकी जो बात है कि 1 लाख रुपए की बात नहीं है, ये जब कन्या के प्रोग्राम की उन्होंने बात कही तो काजल ने कहा कि मैं शो करूंगी, खुद विनय जी ने इन्हें फोन किया, ऐसा इनका कहना है। अब काजल, जब ये सारी बातें हुई, जब ये सब कुछ, जब उनका इंटरव्यू आया होगा, उसके बाद क्या खेसारी जी से आपकी कोई बातचीत हुई? आखिर आपने कहा होगा कि मेरा नाम क्यों उछाला जा रहा है, या और कुछ उन्होंने कहा इस मामले में? नहीं, मेरी इस बारे में उनसे तो कोई बात नहीं हुई है, और ये इंटरव्यू मैंने रात को ही देखा, मुझे किसी रिपोर्टर ने भेजा था, नाम नहीं बताऊंगी, बट किसी ने मुझे सेंड किया था, तो उन्होंने ये लिख के भेजा कि इसे आप जरूर देखिए। मैंने बोला इसमें क्या खास है, तो मैं देख ली, और जो बात, मतलब मैं शॉक रह गई कि ये क्या है, मेरा नाम क्यों घसीटा गया है इसमें। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, इस बात को लेके मुझे बोलना बहुत जरूरी होगा, अदरवाइज लोगों को तो यही लगेगा कि आज तक मैंने जो भी शोज किए खेसारी जी के साथ, जो भी मूवीज की है, तो उसमें मतलब खेसारी जी ने जबरदस्ती मुझे लेके गए, मतलब मेरे में कोई तो कुछ है ही नहीं, कि टैलेंट ही नहीं है मेरे अंदर, या कोई, मैं कुछ काम ही नहीं करती हूँ प्रॉपर, जो जिस वजह से उनको मुझे ले जाना बहुत जरूरी पड़ता है। दुख लगता है, बुरा लगता होगा, दुख होता होगा, बुरा लगता होगा, तकलीफें होती होंगी, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। वैसे काजल, क्या आप विनय बिहारी से कोई बात करेंगी? क्या इस मामले में उन्हें अपनी बात रखेंगी उनके सामने, या फिर नहीं? ऑब्वियसली मैं, उन्होंने मुझसे बात नहीं करी ये न्यूज देने से पहले, उन्होंने मुझसे नहीं बताया कि मैं ऐसे बोलने जा रहा हूँ, तो मुझे भी मुझे लगा कि मैं उनसे बात करूं, लेकिन उन्होंने पब्लिकली मेरे नाम को इतना एकदम बवाल कर दिया, बेमतलब का उछाल दिया मेरा नाम, जो कि मैंने बहुत मेहनत से कमाया हुआ नाम है ये, मैं भी दिन रात शूटिंग की हूँ, धूप में खड़ी हूँ, लाइट्स के सामने खड़ी हूँ, उसके बाद जाके हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं, और इस बस एक इंटरव्यू ने तो नाम ही खराब कर दिया, ऐसा होता है यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली आपको हम सम्मान करते हैं, मानते हैं, और सारी चीज हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, हम आपके साथ वर्क किए, और जब मैं नई नई आई थी तब लोगों ने मुझसे कहा था कि ये बहुत ही, मतलब, पुराने हैं एंड राइटर है और बहुत अच्छे इंसान हैं, और इन लोग से इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है, और यहाँ पे जितने भी जो है स्टार्स हैं, इन सबको इन्होंने बनाया है, तो एक रिस्पेक्ट होता है दिल में। तो अभी ये जो चीजें हैं,
तो मन में ये होता है कि हाँ, अश्लील गाने की हमेशा बातें आती है और इन्होंने अश्लील का भी चीजें बताया, तो इन्होंने भी 2 से 3 हजार सॉन्ग्स लिखे हुए हैं। उन्होंने कल मुझे क्लेम किया कि 22,000 गाने लिखे हैं, मुझे सच में नहीं पता कितने गाने लिखे हैं। उन्होंने कहा 22,000 गाने लिखे हैं। ओके, तो 22,000 गाने लिखे हैं, तो 22,000 में आपके कितने सॉन्ग्स अश्लील नहीं है आप ये बताइए ना, और भोजपुरी इंडस्ट्री में किसके सॉन्ग्स में अश्लीलता नहीं है आप ये बताइए। आपने पद्मश्री अवार्ड का उन्होंने कुछ बात किया, मैं हमेशा ना मेरे दिमाग में ये चलता रहता है, मेरे अकेले से तो इंडस्ट्री बदलना नहीं है और ना रही बदलने से, लेकिन हमेशा दिमाग में ये चीज चलती रहती है कि पद्मश्री अवार्ड अगर हमारी इंडस्ट्री को कैसे मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे लोगों को सिवाय बवाल करने के, रूमर्स फैलाने के और एक दूसरे पे कमेंट करने के अलावा कुछ किसी को ना काम सूझता है ना कोई क्रिएशन सूझता है, बस यहाँ पे बस हेलो हेलो करना है, बस बस इतना ही है कि वो वहाँ पे उसका ऐसा उसका वैसा, ऐसे कोई पद्मश्री अवार्ड नहीं पाएगा यहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री में। और अगर आप इतना ही बोलते हैं कि हम जो अभी के जो सारे यंगस्टर्स हैं, हमारे जो भी अभी शूट कर रहे अभी हीरो हीरोइन हैं जो जिससे चल रहा है इंडस्ट्री, आप उन लोग से ये एक्सपेक्ट करते हैं पद्मश्री, क्योंकि वो अश्लीलता फैलाते हैं, आपका कहना ये भी है, तो यही चीज़ें पहले तो बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनती थी भोजपुरी, जो आपका ख्यालत है इस चीज़ का कि पहले तो बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनती थी जब आप लोग थे तब अश्लीलता नहीं थी, तो तब क्यों नहीं मिला हमारी इंडस्ट्री को पद्मश्री अवार्ड, तब मिलना चाहिए था, लेकिन एक तो मिलता तो आप लोग ने भी तो अश्लीलता फैलाई है और उसको जाके आज जो भी आगे फैल रहा है वो हो रहा है। सवाल ये है काजल कि बात अश्लीलता की है, खेसारी लाल ने कभी नहीं कहा इंटरव्यू में कि अश्लीलता फैलाई जानी चाहिए, दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कभी नहीं कहा कि अश्लीलता, सबने कहा कि अश्लीलता के खिलाफ है, संघर्ष जैसी फिल्में बना रहे हैं, बॉर्डर जैसी फिल्में बना रहे हैं, पवन जी भी अश्लीलता के खिलाफ है, लेकिन इस लड़ाई को लड़ने के लिए जितनी जिम्मेदारी काजल लागवानी की है, खेसारी लाल की है, निरहुआ पवन सिंह की है, उतनी विनय बिहारी की है, बाकी सबकी भी है, जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है। सवाल है चोरी का, उन्होंने आरोप लगाए कि सारे सुपरस्टार्स गाने चोरी करते हैं और इन बहुत सारे गानों में खुद काजल राघवानी भी हुई होंगी, काजल राघवानी रही है, तो अब काजल राघवानी इसका क्या जवाब देती है, क्या काजल राघवानी को सच में लगता है कि गाने चुराए गए हैं, इन सुपरस्टार्स ने चुराए हैं? गाने चोरी की बात आती है तो मुझे हंसी ही आती, हमेशा इस चीज पे हंसी आती है गाने चोरी की, यहाँ तो फिल्में तक चुराई जाती है, जो स्टोरीज होती है, कई स्टोरीज है, शायद मैंने भी कई स्टोरीज ऐसे शूट की है मूवीज में, जो स्टोरीज साउथ की मूवी की डब हो या फिर रीमेक करते हैं, जो कुछ यहाँ से उठाएंगे कुछ वहां से उठाएंगे, हमारे सामने की बातें होती है कि ये फिल्म का सीन है, जब कभी वो फिल्म देखी होती है तब पता चलता है कि अरे ये तो ऐसा तो हमने भी किया है, ऐसा तो हमने भी किया है, कोई हिंदी का फिल्म रिमेक करते हैं, इससे बड़ी चोरी और क्या होगी। और आप गाने की बात करते तो वर्डिंग्स तो हमें भी चेंज ही होते हैं, कुछ बहुत तो इधर उधर मिलता जुलता होगा, तो चोरी मुझे नहीं लगता कि हमारे स्टार से जो राइटर्स है वो लिखते हैं और सिंगर्स गाते हैं, और इसमें अभी चोरी मैं नहीं बोल सकती, बिकॉज मूवी तक चोरी हो जाती है तो गाने की बात ही नहीं आती है कहीं पे। अच्छा काजल, जब ये सारा मामला सामने आया, आपके परिवार जो है फैमिली, उसने किस तरह से रिएक्ट किया, क्योंकि जब परिवार को ये पता चलता है कि बेटी का कहीं नाम उछाला जा रहा है, उनके बारे में बातें कही जा रही है, तो ऑफकोर्स माँ बाप भाई बहन उन्हें बुरा तो जरूर लगा होगा, तकलीफ तो जरूर हुई होगी कि 8 साल 10 साल 12 साल आप काम करते हो और उसके बाद कोई आके ये कहता है कि आपका वजूद नहीं है और आपको किसी दूसरे के रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है। मेरे फैमिली को तो लगना वो बाद में लगेगा, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा लगा, बिकॉज आज तक यहाँ तक मैं अपने मेहनत से चली हूँ, किसी हीरो का हाथ पकड़ के नहीं चली हूँ, ना किसी ने मेरा हाथ पकड़ के चला है कि हाँ मैं जो भी फिल्म करूंगा उसमें आप ही रहेगी, मैं जहाँ जाऊंगा वहां पे आप ही रहेगी, और मुझे करोड़ों का सारा चीज संपत्ति लाके दे दिया, वो बिल्कुल भी नहीं। और मेरी माँ को किसी ने न्यूज भेजी होगी, तो मेरी मम्मी को मैं थोड़ी क्रैक हूँ, मम्मी को मैंने यूट्यूब ऑन करके दे दिया कि तुम देखते रहना न्यूज, तो मम्मी ने आज मुझे बताया कि काजल ऐसा ऐसा न्यूज आया है, मैंने बोला हाँ मम्मी मैंने भी आज सुबह ही देखा, और शायद मुझे लग रहा है कि मुझे इस पे अभी बोलना चाहिए, बिकॉज इसमें अब मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई है, तो मम्मी ने मुझे बताया कि काजल इन सब चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो सबको जाने दो, मैंने बोला नहीं मम्मा पढ़ने की बात नहीं है, अगर मेरा बात ही नहीं होता तो मैं पढ़ती भी नहीं, उसमें मेरा नाम नहीं होता तो,
लेकिन मेरा नाम भी आया है और वो गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, तो उस चीज को बोलना और मुझे एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज लोगों की नजर में मैं ही गलत रहूंगी कि हाँ मतलब हो सकता है कि खेसारी लाल जहाँ भी जाता है वहाँ काजल राघवानी रहती है, तो मतलब वहाँ पे खेसारी जबरदस्ती उसको लेके जाता होगा, तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे यहाँ तक अगर पहुँचाया है तो किसी स्टार ने नहीं पहुँचाया, ना खेसारी जी, ना पवन जी, ना दिनेश जी, ना कोई रवि जी, मनोज जी, किसी ने भी नहीं पहुँचाया। मैं अपने मेहनत से पहुँची हूँ और सबसे ज़्यादा मेरी जनता ने मुझे पहुँचाया, जो मुझे लाइक करती है, जो मुझे पसंद करती है। आज अगर वो मुझे लाइक नहीं करती तो शायद मैं भी नहीं चलती और मैं भी कुछ कुछ मूवीज़ करती होती जो किसी को पता भी नहीं चलता और अपने घर में बैठी होती, किसी की नज़र में भी नहीं रहती। लेकिन आज मेरी पब्लिक मुझे लाइक करती है तो उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो इसमें किसी हीरो का नाम नहीं आता, ना किसी हीरोइन का आता है, ना किसी प्रोड्यूसर का, ना किसी डायरेक्टर का। मेरी पब्लिक मुझे पसंद करती है, वो मुझे वोट करते हैं, वो मुझे लाइक करते हैं, मेरे व्यूअर्स बढ़ते हैं, तो लोगों को लगता है किसी डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को कि नहीं इसको लेंगे तो हमारा व्यूअरशिप ज़्यादा होगा, तब जाके वो लोग मुझे कास्ट करते हैं। और अगर हमारी और खेसारी जी की पैर बनती है, अगर आप लोग को वो बुरी लगती है, लेकिन हमारी पब्लिक जो है उन लोग को पसंद है हमारी पैर, हमारी केमिस्ट्री, वो लोग पसंद करती है, इस वजह से हम लोग साथ में वर्क करते हैं। और हम दोनों हाथ पकड़ के प्रोड्यूसर्स के पास नहीं जाते हैं, ना डायरेक्टर के पास जाते हैं कि सर आप प्लीज़ हमें काम दे दीजिए साथ में, और हम दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो हम लोग साथ में काम करते हैं बिकॉज पब्लिक चॉइस से, इस वजह से काम मिलता भी है हमें। और डायरेक्टर खुद मुझे कॉल करते हैं, प्रोड्यूसर खुद मुझे कॉल करते हैं, और उनका अलग से कॉल होता है, उनका अलग से सारी चीज़ होती है। तो इसमें मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी। तो हम लोग पब्लिक के लिए वर्क करते हैं और पब्लिक के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। काजल, मैं देख रहा हूँ काजल के चेहरे का एक्सप्रेशन देखा मैंने, जो हंसती खिलती लड़की आज मुझे थोड़ी सी दुखी नजर आई, तकलीफ नजर आई मुझे। और मैं भी ये चाहूंगा काजल कि आप भी ये कहें दर्शकों से इस चैनल के जरिए कि जब भी आप किसी बात पर अपनी राय रखते हैं तो पार्लियामेंट्री सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें, गाली गलौज अपशब्द किसी के लिए ना कहें। खेसारी जी भी यही बात कह रहे थे, मैं भी यही बात कह रहा हूं अपने तमाम दर्शकों से, और मैं चाहता हूं काजल भी यही कहें कि आपको जो भी बातें करनी है उसे सभ्य भाषा में टिप्पणी जरूर करें, लेकिन उसकी एक मर्यादा रखें। जो कमेंट्स आते हैं जी इसके लिए, या राइट, मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगी, मेरी रिक्वेस्ट है कि हाँ आप सब हमारे फैन हैं, खेसारी जी के फैन हैं, दिनेश जी के, पवन जी के, सारे लोग, मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो सारी इतनी गंदी गालियाँ होती है उसमें जिसके आप फैन हैं उनका नाम खराब होता है। अगर आप खेसारी जी से बहुत प्यार करते हैं, जो आप कमेंट्स देते हैं उस चीज़ में, अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो ठीक है, आपको बोलना है तो कुछ बोलिए, लेकिन गालियों से कमेंट्स मत करिए। जो आपको बुरा लगता है तो आप जताइए उस चीज़ को, लेकिन गालियों से मत जताइए, उससे आपके स्टार का नाम खराब होगा, जिसको आप आपका अपना मानते हैं, जिससे आप ज़्यादा मानते हैं, उसका नाम खराब होगा। और लोग कहेंगे कि ये खेसारी जी सारे कमेंट्स करवा रहे हैं, यो पवन सिंह के आदमी कमेंट्स करवा रहे हैं, तो दिनेश जी के आदमी कमेंट्स करवा रहे हैं, उसमें उन्हीं का नाम खराब होता है जिसके लिए आप ये सब कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप कमेंट्स करें, अच्छे करें, अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिए, लाइक आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, लेकिन कमेंट्स में बुरी चीज़ें मत लिखिए। और भी चीज़ें हैं जो हमेशा एक आती है, हमेशा ये भी मैंने सुना है कि विनय जी ने कहा है कि हम लोग पनौती है, उनके शो में गए तो अशुभ कहा, हाँ अशुभ है, यस अनलकी है, तो शायद क्या वो जानते नहीं थे कि खेसारी जी और काजल जी अगर साथ में जाएंगे तो कितनी पब्लिक होती है शो में। और खेसारी जी पहले भी तो काफ़ी शोज कर चुके हैं जहाँ पे दो दो तीन तीन चार चार लाख पब्लिक होती है, तो वो तो पहले भी जानते थे, ये बात उन्होंने अपने मुंह से बताई थी। और हम लोग सब बैठे थे कार में, हम लोग जा रहे थे, तो उन्होंने खुद अपने मुंह से कही थी कि खेसारी जी आज तक मैंने ऐसी पब्लिक कहीं भी नहीं देखी है और इतनी किसी के भी शो में नहीं देखी, मैं तो पागल हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया क्या नहीं हो गया। एंड ये बात सच है, आप भी जानते हैं कि खेसारी जी के शो में कितनी पब्लिक आती है। और दिनेश जी के प्रोग्राम में तो 20,000 थी, पवन जी के ऐसी थी, रितेश के ऐसी थी और कल्लू के ऐसी थी, लेकिन आपको भाई मैं मान गया, मतलब आपने मतलब क्या तहलका मचा दिया, ये सब वर्ड उन्होंने क्यों यूज़ किए उसके बाद फिर।
और अगर शोज करते हैं तो हम पब्लिक के लिए करते हैं, तो पब्लिक अगर खेसारी जी की ज्यादा फैंस है तो 50-50 किलोमीटर 25-25 किलोमीटर से भी आई है बस में, कितना भर भर के आती है पब्लिक है, तो हम उनको तो रोक नहीं सकते, हम अपना जाएंगे शो करेंगे। तो अगर आप नहीं जानते थे, आप जानते ही थे ये बातें सारी, तो फिर आप लोग को बुलाना भी नहीं चाहिए, ताकि आप लोग को लगता है कि हमने गलती कर ली, हमारे लिए अशुभ है, और कोई आदमी गुजर गया और दो लोग अपाहिज हो गए हैं, तो आप हमें तब बताते ना, तो तब हम उनको मिल भी लेते, या कुछ भी होता तो हम अपनी तरफ से करते। 2.5 साल बाद बताने की क्या ज़रूरत है? अगर सच्ची है तो 2.5 साल बाद क्यों आए वो बताने के लिए कि ऐसा ऐसा हो गया? तो थोड़ा सा सोचिए बोलने से पहले, और किसी पे नाम पे इतना पॉइंट मत करिए कि वो सच है या झूठ है। आपके पास क्या चीज़ है, प्रूफ है कि आप मतलब खेसारी जी ज़बरदस्ती मुझे ले गए? तो प्लीज़ आप इस तरह से मुझे ब्लेम मत करिए। और आपने मुझे खुद फ़ोन किया था, और मैं ये खुद जानती हूँ, और 2-4 लोगों के बीच में भी ये बात हुई थी, और उन लोगों ने भी मुझे कहा था कि नहीं, बहुत अपने बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत इनका नाम है, ऐसा है वैसा है, तो करना चाहिए, तुम जाओ, अच्छा है। ये सब बातें अभी इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप सोच लीजिए और क्या बोल सकते हैं। थैंक यू काजल, बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए, अपनी बातें खुलकर सामने रखने के लिए। और ये एक बात है जी, मैं अगर हाँ, मैं खेसारी जी की मतलब फ्रेंड हूँ, उनको दोस्त मानती हूँ, और हम इतने सारे वर्क एक साथ करते हैं, लोग उनको बहुत कमेंट करते हैं, लौंडा है, लौंडा डांस करके या स्टेज पे इस तरह से साड़ी पहन के ये सब काम करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ में? अगर उन्होंने मेहनत करके आज यहाँ तक वो पहुँचे हैं, उन बहुत उन्होंने स्ट्रगल करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं, स्टार बने हैं, तो जलन हो रही है क्या किसी को? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों इतना ये लोग इस चीज़ को क्यों इतना वो दे रहे हैं, मुझे आप बताएंगे। साड़ी पहनना, कोट पहनना या दबंग सरकार जैसी फिल्में करना, मस्कुलर बॉडी बनाना, खेसारी लाल भोजपुरी के सबसे फिटेस्ट स्टार्स में से एक है, जिनकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो इतनी मेहनत करके आज यहाँ तक पहुँचे जी। अगर आप लोग को इतना ही है तो फिर आप लोग भी उतनी मेहनत करिए, आप लोग भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आज उनके फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है, मुझे तो लगता है कि छा जाने के लिए खेसारी जी का और हमारे नाम का सहारा लिया गया है, ताकि सबकी नजर में आ जाए। तो मतलब 4 दिन से तो बस ऐसा ही है कि विनय बिहारी ऐसे ही हो रहा है। सो बस मुझे तो दिमाग में बस यही बातें बैठती है कि मतलब आपको छाने के लिए भी सिर्फ खेसारी जी ही मिले क्या? ये काजल अगवानी का सवाल, ये काजल अगवानी का सवाल कि कहीं पब्लिसिटी से ये पूरा मामला इंस्पायर्ड तो नहीं है, कहीं इलेक्शन आ रहा है उस वजह से, कहीं ये मतलब ज्यादा छा जाना इस वजह से, सबकी पब्लिक के सामने आ जाना, तो मतलब आप अच्छे। और एक फैक्ट है हमारे इंडस्ट्री का या किसी भी इंडस्ट्री का, किसी की अच्छाई करेंगे तो कोई देखेगा नहीं, और बुराई जैसे आएगी वैसे सारे लोग कि इसने बुरा बोला, अरे उसने बुरा बोला, मतलब पूरे रूमर्स फैल जाएगी उस चीज़ के, लेकिन किसी की अच्छाई की रूमर्स नहीं फैलेंगे कभी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपके सारे कमेंट्स सराखों पे विनय जी, लेकिन दिल से हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप बड़े हैं और सम्मान करती हूँ मैं आपका, बट ऐसा भी नहीं है, आप भी किसी लड़की के बाप है, लड़के के पिता होंगे, एंड आपको भी सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, और सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। आपने बहुत बोला उसमें कि मैं ये कसम खा के बोलो कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, या जो भी उन्होंने बहुत कुछ बोला है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मुझे कसम नहीं खिलवानी है, बिकॉज बहुत सारे लोग कसम झूठी भी खा ही लेते हैं, बोलने के लिए तो लोग कुछ भी बोलेंगे, मतलब नहीं है। बट अगर आप 10 कन्याओं का विवाह करवा भी रहे हैं तो सच बोलिए, लेकिन क्योंकि कर्मा तो यही लिखा जाएगा सर, जो भी जो बोलेगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने काजल आगवानी को सुना, और उन्होंने कहा कि जो आप करते हैं वो आपके कर्म का हिस्सा होता है, और वो सारी चीजें लिखी जाती हैं, और साथ ही साथ मैं दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कमेंट्स में अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें, और कोई भी पर्सनली इस चीज को ना ले। हाँ, एक चीज है बुरी लगी है, इस वजह से मैंने इतना बोला है, बिकॉज सारी चीजें झूठ है, मेरे बारे में सब झूठ बोला गया है। आगे चल के कोई मुझे मतलब ये ना कहे कि मतलब अभी तक मैंने जो भी वर्क किया है तो इन्होंने मुझे जबरदस्ती वहां पे थोपा गया है, तो बिल्कुल भी नहीं, मैं मेहनत करके पहुंची हूँ।
सो मेरे सारे फ्रेंड्स को मैं भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ गलत कमेंट्स मत लिखिएगा, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कर दीजिए या फिर चलने मत दीजिए, उसको लाइक ही मत करिए, देखिए भी मत। थैंक यू। मुंबई से अंकित शर्मा के साथ आनंद कमलेश की रिपोर्ट, बिंदास भोजपुरिया के लिए।